Good morning, students. Now, today's topic is differential equation of first order and higher degree. हमने differential equation first order, first degree देख लिया था, पढ़ लिया था. अभी हम differential equation of first order and higher degree पढ़ेंगे, जिसमें आज हम differential equations solvable for p, p के लिए solve करना सीखेंगे कि हमें differential equation कैसे solve करना है. Okay? Now, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. इंट्रोडक्शन इज द जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इज, जो इसकी जनरल फॉर्म है वो किस तरीके से लिखी जाती है वो देखते हैं. डी वाई बाई डी एक्स टू द होल पावर एन प्लस पी वन डी वाई बाई डी एक्स टू द होल पावर एन माइनस वन प्लस पी टू डी वाई बाई डी एक्स टू द होल पावर एन माइनस टू up to pn minus 1 dy by dx plus pn is equal to 0. ये general form है किसकी? Differential equation of first order and higher degree. Order आप देखिए, हर step में one order है, लेकिन degree इसकी कितनी है? n degree है. Where each pi, ये p1, p2, p3, p4 up to pn minus 1, pn, ये सभी क्या है? Pi is a function of x and y. ये P क्या है रिप्रेजेंट कर रहा है? P1, P2, P3 फंक्शन ऑफ x एंड y को रिप्रेजेंट कर रहा है. इफ dy by dx इज इक्वल टू स्मॉल p, यदि हम dy by dx को स्मॉल p लिख दें, देन द जनरल फॉर्म रिड्यूस टू, तो यही इक्वेशन हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? P to the power n plus P1, P to the power n minus 1 plus P2, P to the power n minus 2 up to pn minus 1 p plus pn is equal to 0. Small p represent कर रहा है derivative को, first order derivative को. और जो capital P1, P2, P3 है, ये क्या है? Function of x and y. Hence, it also can be written as, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Function of x, y, p is equal to 0. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा पी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसमें क्या क्या है? पी है, एक्स है और वाई है. डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड पी इज द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स कॉमा वाई पी x, y, p is equal to 0. अब इस differential equation को हम solve करने के method देखते हैं. कौन कौन से method हैं? Differential equation which are solvable for p, p के लिए solve करना. Second, differential equations which are solvable for x. Third is differential equation which are solvable for y. And fourth is Clausius differential equation. तो हमारे पास ये चार मेथड हैं. हम पी के लिए सॉल्व कर सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हायर ऑर्डर की, और सॉल्युबल फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं, वाई के लिए सॉल्व कर सकते हैं, और एक लास्ट हमारा है क्लॉरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हम जो आज के लेक्चर में देखेंगे वो हम केवल p के लिए सॉल्व करना सीखेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको x के लिए एंड देन उसके बाद में y के लिए आपको सॉल्व करना बताऊंगी. तो डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर सॉल्युबल फॉर p, p के लिए हमें सॉल्व करना है. हम कैसे सॉल्व करेंगे? ऑल्सो वी कैन राइट सेकेंड इक्वेशन इज, सेकेंड इक्वेशन मतलब हमने स्टार्टिंग की जो दो इक्वेशन देखी थी उसमें जो सेकेंड इक्वेशन थी हमारी पी एन प्लस पी वन, अब हमने कैपिटल पी वन की जगह फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिख दिया, पी एन माइनस वन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई. इसको हमने f1, f2, f3, fn minus 1, fn से रिप्रेजेंट किया है. दीज आर द फंक्शन ऑफ x एंड y. पहले भी मैंने बताया था कैपिटल P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन ऑफ x एंड y को, और स्मॉल p डेरिवेटिव को, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर? नाउ विच इज सॉल्युबल फॉर p, स्प्लिटिंग अप द लेफ्ट साइड इंटू एन लीनियर फैक्टर. अब जो लेफ्ट साइड की हमारी टर्म है इसको हमें क्या करना है? ये एन डिग्री की है पी में, दैट मीन्स कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एन डिग्री का है.
हमें इस इक्वेशन से एन लीनियर फैक्टर बनाने हैं। हमें क्या मिलेंगे फैक्टर्स? ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो सेकेंड ऑर्डर की हो, थर्ड ऑर्डर, 2 डिग्री की हो, 3 डिग्री की हो, 4 डिग्री की हो, उसके आप फैक्टर बना लेते हो। तो इसमें एन डिग्री की है तो इसके फैक्टर, लीनियर फैक्टर क्या बनेंगे? पी माइनस -y1xy, पी माइनस -y2xy, पी माइनस -y1yn xy, एक्स कॉमा वाई। तो ये एन फैक्टर बन रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 हम हर फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे और सॉल्व करेंगे। नाउ इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0, वी हैव पी माइनस -y1x y इज इक्वल टू 0। इससे क्या मिलेगा? पी इज इक्वल टू -y1x y। इस सेकेंड वाले लीनियर फैक्टर से पी इज इक्वल टू -y2x y। थर्ड वाले से हमें मिलेगा पी इज इक्वल टू -y5nx y। क्लियर? तो इस तरीके से हमको पी की वैल्यू मिल जाएगी। अब पी क्या है हमारा? पी इज डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, dy/dx। तो हर फैक्टर के लिए हम पी की वैल्यू dy/dx रखेंगे, और जो फंक्शन हमारे पास आ रहा है राइट हैंड साइड में उसे रखेंगे। देन हम उसको अपने प्रीवियस मेथड से, प्रीवियस में मैंने कौन कौन से मेथड बताए थे आपको, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जिस टाइप की इक्वेशन हमारी बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर देंगे। सो ईच ऑफ दीज एन इक्वेशंस इन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, विच कैन बी सॉल्व बाय अ मेथड डिस्कस इन प्रीवियस। तो पहले मैं वीडियोस आपको दे चुकी हूँ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का दे दिया, होमोजीनियस का दे दिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिस तरीके की भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, हम उसी के अकॉर्डिंग मेथड अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या आएगा? f1x y c, अभी कांस्टेंट आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। सेकेंड f2x y c इज इक्वल टू 0। थर्ड fnx y c इज इक्वल टू 0। सपोज दीज आर सॉल्यूशंस ऑफ दी एन दीज एन इक्वेशन, जो एन इक्वेशन हमारी बन रही है उनका ये सॉल्यूशन है। देन द जनरल सॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है सॉल्व x(y)(pq) प्लस x² - 2y² ब्रैकेट में इंटू p² - 2xyp इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है? बिकॉज स्मॉल p रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ हायर ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो dy/dx का होल क्यूब है, ये हायर ऑर्डर है, 3 डिग्री की इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ डिग्री 3, जैसा मैंने बताया आपको, एंड देयर फोर इट हैज 3 लीनियर फैक्टर। तो इसके कितने लीनियर फैक्टर बनेंगे? 3 लीनियर फैक्टर। पी में 3 डिग्री की इक्वेशन है, पी के लिए ही हम सॉल्व करना सीख रहे हैं, तो इसके हमें 3 लीनियर फैक्टर मिल जाएंगे। कैसे सॉल्व करना है हमें? इस पूरे में से हमें पी कॉमन मिल रहा है, पी हमने कॉमन ले लिया बाहर, xyp² बचेगा, प्लस सेकेंड टर्म में x² - 2y² p बचेगा, -2xy बचेगा, राइट? पी तीनों टर्म में से हमने बाहर कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0। अभी हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यानी इसके 2 लीनियर फैक्टर बनेंगे। यदि मैं इस पी को इसके साथ में मल्टीप्लाई में लिख लूं तो इन दोनों में ये हमारे पास एक्स कॉमन आ जाएगा और पी कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा? yp और x² p में से हमारे पास क्या बचेगा? प्लस x बचेगा। सिमिलरली ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ से क्या कॉमन आएगा इन दोनों टर्म में से? -2 कॉमन आएगा, y कॉमन आएगा। हमारे पास क्या बचेगा? yp माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि कॉमन चला गया, x। अब इन दोनों में से yp + x कॉमन आ रहा है, एक ब्रैकेट में आपके पास आएगा xp - 2y।
और एक ब्रैकेट में आपके पास आएगा वाई पी प्लस एक्स, और पी हमारे पास बाहर ऑलरेडी है ही, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था कॉमा, दिस विल बी इक्वल टू 0। ये लीनियर फैक्टर हमारे हो जाएंगे। क्लियर? तो अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में, ये देखिए, ये पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दिया, देन हमने इसमें से कॉमन लेके इसके फैक्टर बना लिए। आई मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब हर फैक्टर को इक्वल टू 0 रखना है, यानी p इज इक्वल टू 0, xp माइनस 2y इज इक्वल टू 0, yp प्लस x इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग दीज थ्री लीनियर फैक्टर विद 0, वी गेट, अब हम वन बाय वन लेंगे, p इज इक्वल टू 0। अब p इज इक्वल टू 0, p क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू c, डी वाई का इंटीग्रेशन y, ये 0 हो गया, एक कांस्टेंट c आ जाएगा, लेफ्ट में लेंगे तो y माइनस c इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। नाउ सेकंड देखिए, xp माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये सेकंड लीनियर फैक्टर है। इसको सॉल्व करने के लिए p की जगह हमने क्या रखा? dy बाई dx, क्योंकि स्मॉल p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। ये इक्वेशन हमारी बनेगी x dy बाई dx इज इक्वल टू 2y। अब इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लग रहा है, तो हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दिया, dy अपॉन y इज इक्वल टू 2 dx अपॉन x। ये बन रही है इक्वेशन। इसको हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू 2 log ऑफ x प्लस log ऑफ c। अब log की प्रॉपर्टी से ये 2 यहाँ से हटेगा तो x में स्क्वायर में चला जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं log x स्क्वायर c। log से log कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर ये बचेगा। तो ये हमारे पास सेकेंड वाला लीनियर फैक्टर भी सॉल्व हो गया। थर्ड लीनियर फैक्टर हमारा क्या था? वाई पी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, सॉरी, p की जगह हमने dy बाई dx रखा, तो y dy प्लस x dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाई स्क्वायर बनेगा, ये एक्स स्क्वायर बनेगा, और जो अपॉन में 2 आएगा वो ये सी के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो तीनों फैक्टर हमने सॉल्व कर लिए। अब देयर फोर द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय मल्टीप्लाइंग दीज थ्री सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर फैक्टर्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब जो तीनों फैक्टर आए, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, तो ये क्या बनेगा? वाई माइनस सी, वाई माइनस सी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2c इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। क्या हो गया अपना अपना जनरल सॉल्यूशन हो गया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी थी फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की, उसका सॉल्यूशन क्या बना? वाई माइनस सी, वाई माइनस सी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2c इज इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व पी स्क्वायर प्लस 2 PY cot x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, अब ये जो इक्वेशन है ये p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम इसे p के लिए ही सॉल्व करेंगे, p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज, तो हम p के लिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसके फैक्टर बनाएंगे। अब देखिए इसके p, हमने धराचार्य जी का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर p के फैक्टर सॉल्व करे हैं। सो p इज इक्वल टू माइनस b, तो बी की वैल्यू 2y cot x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a, और ये लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा ए सी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4y स्क्वायर अपॉन 2a, ए हमारे पास 1 है इसलिए 2 आएगा। अब इस ये p के इक्वल है, p क्या है? dy बाई dx है,
एक बार हम dy बाय डी एक्स प्लस साइन के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार dy बाय डी एक्स हम माइनस साइन के लिए सॉल्व करेंगे। सो इसको हम और सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, ये टू से मल्टीप्लाई, सॉरी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस का वाई कॉटेक्स बचेगा, प्लस माइनस ये टू जब रूट के अंदर जाएगा तो फोर हो जाएगा, तो ये फोर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर दोनों का कॉमन ले लें, वाई हम क्या करें यहाँ पर वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वन, और कॉट स्क्वायर एक्स प्लस वन कहता होता है कॉसेक स्क्वायर, तो रूट से बाहर आएगा तो वाई कॉसेक एक्स बचेगा। तो सिंपल ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास ये टर्म बनी पी इज इक्वल टू। अब एक बार हम प्लस साइन के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार हम माइनस साइन के लिए सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम वन पी की वैल्यू हमने डी वाई बाई डी एक्स रख दिया क्योंकि पी फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस वाई कॉट एक्स प्लस वाई कॉसेक एक्स, पहले हमने प्लस साइन लिया, प्लस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें देखिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पॉसिबल नहीं है, इसको हमने और सॉल्व किया, डी वाई बाई डी एक्स वाई दोनों में से कॉमन ले लिया, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो अब देखो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बन गया, ब्रैकेट की जो टर्म है वो एक्स की टर्म है और वाई सेपरेट है, तो वाई हमने डी वाई के साथ में ले लिया, डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में ले लिया, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी डी वाई बाय वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे तो ये लॉग एक्स हो जाएगा, ये लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स का लॉग ऑफ साइन एक्स होता है प्लस लॉग ऑफ सी। अभी देखो ये हो जाएगा लॉग टेन एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स इंटू सी, ये बनेगा लॉग, दोनों साइड में फिर कैंसिल कर देंगे हम, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में तो वाई इज इक्वल टू सी टेन एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स आएगा। अभी इसको हम और सिंप्लीफाई कर लें तो टेन एक्स बाई टू को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू एंड डिवाइडेड बाई साइन को हम हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो सी अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ये बन जाएगा। ओके नेक्स्ट, अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करें तो टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला है, वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स हाफ एंगल है, ये फुल एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स हमने इधर मल्टीप्लाई कर लिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो वाई इंटू वन प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू सी, ये तो फर्स्ट आंसर आया। अभी सेकेंड में देखो हम माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स रखी, माइनस का वाई कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, अभी इसको हम लिख सकते हैं वाई इधर आ गया सेपरेशन में, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से वाई सेपरेट हो गया और एक्स डी एक्स के साथ में ये वाली टर्म आ गई, इसको इंटीग्रेट किया, ये लॉग ऑफ वाई हो जाएगा, ये लॉग ऑफ साइन एक्स होगा, माइनस साइन इसलिए माइनस आएगा, कॉसेक का होता है लॉग ऑफ टेन एक्स बाई टू, माइनस साइन इसलिए माइनस आएगा प्लस लॉग सी, तो ये बनेगा हमारा लॉग सी अपॉन साइन एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू। और इसको मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ये बनेगा हमारे पास राइट साइड पे लॉग सी अपॉन साइन, अब इस साइन को साइन एक्स को हाफ एंगल में यदि लिखूं तो साइन टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू यह हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में टेन एक्स बाई टू आएगा, तो टेन का मतलब हो गया साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन और साइन मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो सी अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को हम कन्वर्ट करें फुल एंगल में तो वन माइनस कॉस एक्स ये लिख सकते हैं, तो
इसकी जगह हम क्या लिख दें, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह वन माइनस कॉस एक्स, तो ये वाई इंटू वन माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू सी, दोनों आंसर आ गए। अभी हमें क्या करना है, कंबाइनिंग टू एंड थ्री वी गेट, दोनों को कंबाइन करना है, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये प्लस माइनस साइन दोनों आ गए इसमें, इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स तो पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई वन अपॉन पी को रिप्रेजेंट करेगा, तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, द गिवन इक्वेशन इज पी माइनस वन बाई पी इज इक्वल टू एक्स वाई वाई माइनस वाई बाई एक्स। ये हो गई। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमने पी का एलसीएम ले लिया, सो पी स्क्वायर माइनस पी एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। पी में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, मतलब इसके भी हम लीनियर फैक्टर बना सकते हैं पी के लिए, तो इसके लिए भी हमने लीनियर फैक्टर बनाए, तो क्या बनेंगे, इन दोनों टर्म में से हमने क्या कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से पी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से पी बचेगा माइनस यहाँ से एक्स अपॉन वाई बचेगा, फिर ये पी इसके साथ में मल्टीप्लाई में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों में से हमने वाई बाई एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से पी बचेगा, ये माइनस का ये वाई अपॉन एक्स कॉमन लिया है तो एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट के टर्म सेम है, तो एक फैक्टर तो ये हो गया, सेकेंड फैक्टर विल बी पी प्लस वाई बाई एक्स, सेकेंड फैक्टर ये हो जाएगा। तो आप देखिए p माइनस एक्स वाई बाई एक फैक्टर हो गया, अब p प्लस वाई बाई एक्स सेकेंड फैक्टर हो गया, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। दोनों फैक्टर्स को हम अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे, सो फर्स्ट वाला फैक्टर हमारा बनाएगा p इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, और सेकेंड वाला बनाएगा p इज इक्वल टू माइनस का वाई अपॉन एक्स। ओके, p क्या है, p हमारा है डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरीवेटिव। अभी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएंगे हम इसमें, सॉल्व करेंगे इसको, सो पी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, पी की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स रख दी, वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दिया, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, आप सी स्क्वायर सी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी सॉल्व होके आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। जो टू था वो हमने सी कॉन्स्टेंट में शामिल कर लिया। सेकेंड है पी इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, तो इसको हमने इधर ले लिया लेफ्ट में, तो ये प्लस का वाई बाई एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, डी वाई बाई वाई प्लस डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई हो रहा है इसमें भी, ये लॉग ऑफ वाई बनेगा प्लस लॉग ऑफ एक्स बनेगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी हो जाएगा। तो लॉग ऑफ एक्स, इसको हम लिखेंगे लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी, तो ये आपका बनेगा लॉग ऑफ वाई एक्स या एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू सी फर्स्ट आंसर ये था, एंड सेकेंड आंसर इज एक्स वाई इज इक्वल टू सी, क्लियर। सो कंस्टिट्यूट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी है पी क्यूब प्लस थ्री एक्स पी स्क्वायर माइनस वाई क्यूब पी स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई क्यूब पी इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पी में थ्री डिग्री की इक्वेशन है ना, तो इसके तीन फैक्टर बनेंगे बेसिकली, तो तीन फैक्टर बनेंगे, तो तीन फैक्टर में सबसे पहला तो देखो तीनों में से हर टर्म में से पी कॉमन आ रहा है, तो गिवन इक्वेशन इज सभी में से हमने पी कॉमन ले लिया, तो पी कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास क्या बनेगा, आप देखो पहले हमने पी कॉमन नहीं लेके हमने क्या करा, इन दोनों में से डायरेक्ट पी स्क्वायर कॉमन लिया, तो पी प्लस थ्री एक्स बचेगा, और इन दोनों टर्म में से हमने पी वाई क्यूब कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन ले लिया,
यहां से p प्लस थ्री एक्स बनेगा, तो एक तो फैक्टर हमारा p प्लस थ्री एक्स ये हो जाएगा, तो p प्लस थ्री एक्स एक फैक्टर तो ये हो गया। सेकंड फैक्टर हमारा बनेगा p स्क्वायर माइनस p वाई की, ये सेकंड फैक्टर बनेगा। दिस इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से अब p कॉमन आ रहा है तो p कॉमन ले लेंगे, तो ये बनेगा p माइनस y क्यूब इज इक्वल टू 0। तो जो फैक्टर बनेंगे लीनियर फैक्टर वो क्या क्या बनेंगे, एक तो दोनों में से p कॉमन आ रहा है p माइनस y क्यूब और p प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तीनों फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 अलग अलग करेंगे, p इज इक्वल टू 0, p माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, p प्लस 3x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाला जो है p इज इक्वल टू 0, p की वैल्यू dy बाई dx रखेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो y इज इक्वल टू c यानी y माइनस c इज इक्वल टू 0। ये तो फर्स्ट फैक्टर से मिल गया। सेकेंड फैक्टर हमारा p माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0 है, देन dy बाई dx p की वैल्यू रखी इज इक्वल टू वाई क्यूब, तो d सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगेगा, dy अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू dx, इसको इंटीग्रेट किया तो माइनस का 1 अपॉन 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। नाउ इसको और सॉल्व किया तो ये 2xy² प्लस 2cy² और ये 1 लेफ्ट में राइट में लाएंगे प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू सी। थर्ड फैक्टर इज p प्लस 3x इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू हमने पुट कर दी dy बाई dx प्लस 3x इज इक्वल टू 0, ये भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लग रहा है, ये x के साथ में dx हमने ले लिया, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन 1 का, ये 1 है तो ये 1 के लिए y आ जाएगा और प्लस 3x² बाई 2 इज इक्वल टू सी। ये हमारा थर्ड फैक्टर सॉल्व हो गया, तीनों फैक्टर सॉल्व हो गए, तीनों को हम कंबाइंड करके लिखेंगे, तो ये थर्ड फैक्टर हमारा, और इसको हमने और वो कर लिया एलसीएम लेके, एक बार बैक कर रही हूँ, इसका एलसीएम 2 आएगा, 2y प्लस 3x² इज इक्वल टू 2c, तो ये आ जाएगा 2y प्लस 3x² माइनस 2c इज इक्वल टू 0। हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तीनों फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर, थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, इसको शेयर कीजिए, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं आपको उसके सॉल्यूशंस दे सकूं। थैंक यू।